स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टुडे एग्जाम वॉरियर पे, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर एग्जाम से पहले ही दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी के मॉडल पेपर का, जिसमें हम एक क्वेश्चन पे आज हम बताएंगे आपको बहुत अच्छे सिंपल तरीका ट्रिक, ऐसे कि आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 7वां नंबर आपका आता है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। कितना? 2 नंबर का। तो देखिए, श्लोक तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन अच्छे से आपको लिखने नहीं आता, यानी कि लिखने का तरीका आपका अच्छा नहीं होता है। इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है। आप सोचते हैं कि हमने तो श्लोक पूरा लिखा था, जितना हमें कहा गया था वो भी 2 नंबर का था, तो हमको 2 नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो जाता है कि आपको एक भी नंबर नहीं मिलते हैं, आधे नंबर मिल जाते हैं, इसलिए आपका नंबर कम हो जाता है। और आप सोचते हैं कि हमने तो पूरा लिख कर आया, फिर भी हमें पूरा नंबर नहीं मिला, तो ऐसे ही करके आपके नंबर कटते हैं। देखिए किस वजह से आपको अच्छे नंबर नहीं मिल पाते। तो यहाँ पे आपको श्लोक लिखना है। पहला रीज़न क्या हो जाता है कि जो आपके पेपर में श्लोक आया रहता है, वही श्लोक देख के आप अपने इस 7वें नंबर पे लिख देते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक श्लोक आया है, 4th नंबर पे आप आइएगा अपने पेपर के, चाहे कोई भी पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर किसी भी ईयर आए, तो आप देख लीजिएगा 2025 में ट्राई कर लीजिएगा। 4th नंबर पे आएगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और यहाँ पे आपका अथवा में दिया रहेगा ये श्लोक, सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतम। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि वो 7वें जगह नंबर पे आप यही सेम टू सेम लिख देते हैं। बाय चांस कभी कभी नंबर मिल जाता है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करनी चाहिए गलतियाँ कि मना करे पेपर, फिर भी आप उसको दोबारा दोहरा दें। तो आपको अब इस पेपर में ये चीज़ें नहीं लिखनी है, इसके जगह पे आपको दूसरा श्लोक लिखना है। चलिए मैं बताती हूँ आपको श्लोक लिखने का बेस्ट तरीका होता क्या है। जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, आपको करना क्या है, स्केल की सहायता से डबल लाइनिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, आपको केवल काले और नीले पेन का ही यूज़ करना है, या फिर सबसे अच्छा वही पेन होता है जो आप शुरू से लिखते चले आते हैं, जिस पेन से, वही पेन अपने एग्ज़ाम में भी आप इसी पेन का यूज़ किया करिए, क्योंकि उससे अच्छी प्रैक्टिस बनी रहती है और आपका अच्छे से आपकी हैबिट बनी होती है और आप जल्दी जल्दी लिख भी पाते हैं। तो देखिए, इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा कि आपका 7वें नंबर का ये क्वेश्चन है 7वें नंबर पे आया है। तो अब आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 7, या फिर लिख सकते हैं आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। इतना लिखने के बाद फिर आपको डबल लाइनिंग करनी है। यहाँ देखिए, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये एग्जामिनर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यही सब देख के एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर देते हैं, और यहीं से आप ऐसा नहीं लिखते हैं इसलिए आपका नंबर कट जाता है, तो आपको लगता है कि हमने लिखा लेकिन हमें नंबर नहीं मिला, एग्जामिनर मेरी कॉपी सही से चेक नहीं किए। वो सही से चेक करते हैं, लेकिन आपके ही लिखने का तरीका गलत होता है। देखिए, 7वें नंबर पे आपका श्लोक हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखना है, श्लोक। तो यहाँ पे लिख देंगे श्लोक, ऐसे डबल लाइनिंग कर दीजिएगा एरो लगा के, नीचे भी हो गया। अब यहाँ से लिखिएगा, जो श्लोक आपको अच्छे से याद हो वही श्लोक आप लिखिएगा,
क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां एग्जाम में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं और पढ़कर ही नंबर देते हैं, ठीक है। इसलिए आप ये गलती मत करिएगा कि जो पेपर में आ जाए वही आप लिख दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वे भवन्तु सॉरी गलत हो गया। चलिए यहाँ पे अगर मेरा गलत हो गया तो मैं यहाँ पे एक आपको ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कि जो वर्ड आपका गलत हो जाता है बीच में उसको ऐसे लिपा पोती नहीं करना है, एक साधारण सा एक ऐसे लाइनिंग कर देनी है जिससे आपका लगेगा कि ये गलत भी हो गया और देखने में भी आपका भद्दा नहीं लगेगा और कॉपी भी आपकी क्लीन लगेगी। तो यहाँ पे हो गया सर्वे। अब होगा भवन्तु सुखिनः। ठीक है, फिर सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया, ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे नीचे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत। ये आपका श्लोक पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए जो ऐसे अगर आप लिखेंगे तो आपको अब इस पे दो नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये जो आपने नंबर डाल रखा है इससे ये पता चलता है कि आपका ये अच्छे से दिख रहा है सात का उत्तर। तो एग्जामिनर देखेगा कि आपने सातवें नंबर पे लिखा है और कितने नंबर का है, दो नंबर का। तो वो तुरंत आपको केवल आपका लिखने का तरीका देख के आपको पूरा पूरा दो नंबर दे देगा। लेकिन आपका यही अगर आप प्रश्न संख्या नहीं डालेंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे कि आपने लिखा क्या है, किसके बारे में लिखा है, तो वही आपको आधा नंबर मिल जाता है। अब चलिए, अब इतना हो गया तो मैं इसका अर्थ भी बता देती हूँ। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सब सुखी हो। सर्वे भवन सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग रहित हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी न हो। ठीक है, तो ये रहा आपका श्लोक लिखने का बेस्ट तरीका। और अब अगर आप ऐसे लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में देख लीजिएगा, एग्जामिनर आपको खुश होकर दो नंबर पूरा दे देंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।